नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। अपने साथ मौजूद हैं हर्ष भाई, साहिब डेयरी फार्म के ओनर हैं और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की बाई गाय रखते हैं। सेल परचेज का बाई का काम है, काफ़ी साफ़ सुथरा काम है बाई का। कंटिन्यू अपने चैनल पर बाई की वीडियो आती रहती हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बाई देते हैं इनकी वीडियो को। और साफ़ सुथरी बाई की बातें होती हैं। किसी भी बाई ने अगर गाय खरीदनी हो, बाई के एरिए में गाय बेचनी हो, तो आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रखते हैं भाई अपने फार्म पर, किसी भी क्वालिटी की आप गाय भाई से खरीद सकते हैं। बाकी पहले भी भाई की काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, आप पहले भी वीडियो जो डाल रखी हैं वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की गाय दिखाएंगे। रेट भी भाई का काफ़ी जेन्युइन होता है। और किसी भी भाई ने गाय खरीदनी हो तो आप भाई से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। बेवजह भाई के पास आप फ़ोन ना करें, गाय खरीदनी और बेचनी हो तभी आप हर्ष भाई से संपर्क करें। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो ज़रूर कर दें। फेसबुक पेज पर भी वीडियो डालते रहते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी अपनी वीडियो कंटिन्यू डालते रहते हैं। किसी भाई ने अगर वीडियो चैनल पर डलवानी हो तो नंबर डाल दिया है। और हर्ष भाई का भी नीचे जो नंबर चल रहा है वो हर्ष भाई का है। अगर आपने गाय खरीदनी हो तो हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो पता करते हैं आज मौके पे भाई के पास कितनी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध है। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार हर्ष भाई। नमस्कार जी, कैसे हो हर्ष भाई? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ। बढ़िया है। और काम धंधा कैसा भाई? शुक्र भगवान का, चलो शुक्र होना चाहिए। अच्छा जी। तो हर्ष भाई, वैसे तो सभी भाई आपको जानते ही हैं, कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो आपकी आती रहती है जी। तो सबसे पहले तो जो अपना फोन नंबर है वो बता दो। मोबाइल नंबर सर 9878872757। ठीक है हर्ष भाई, अपना जो डेयरी फार्म है उसकी लोकेशन बता दो। लोकेशन सर बठिंडा पंजाब में सर, तहसील तलवंडी सर, तलवंडी। तो हर्ष भाई अपना जैसे बाहर से कोई भी भाई अपने आता है तो रेलवे स्टेशन है कोई नजदीक? बठिंडा में है सर। बठिंडा में, बठिंडा अपने से 30 किलोमीटर साइड पे। 30 किलोमीटर है जी। अच्छा, बड़ा जंक्शन है वो तो ना? हाँ, बड़ा। ठीक है हर्ष भाई, जैसे मान लो वहाँ पे कोई भाई आता है तो आप रिसीव कर लोगे उन्हें? जी जी, वहाँ से रिसीव कर लेंगे। ठीक है, फोन करने का कोई समय? कोई समय नहीं, कभी कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप है जी, व्हाट्सएप भी है। जैसे मान लो कभी आप फोन नहीं उठा पाते तो आपको मैसेज छोड़ देंगे। ठीक है हर्ष भाई, अपना सेल परचेज का काम है, स्पेशल गाय रखते हो या भैंसे भी होती हैं? नहीं सर, ज्यादा फोकस पर गाय पे, गाय पे है। और भैंस का भी करते हैं सर? भैंस अगर डिमांड पे है। हाँ, डिमांड सर, ऑन डिमांड है सर। अगर कोई कस्टमर ऐसे मान के चलो सर, चार गाय और मान लो दो भैंस लेना चाहते सर, उनको भी प्रोवाइड करवा के। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिमांड पे अगर कोई अकेली भैंसे भी लेना चाहे तो भी दिलवा देते हैं? ठीक है। तो हर्ष भाई, गाय कोई फोक्स है किसी नस्ल पे या किसी भी तरह की गाय दिलवा देते हो? नहीं सर, वैसे तो डिमांड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी डिमांड करेगा उस वैसे ही दिला देंगे। ठीक है। अपनी खरीदे सर, बहुत ज्यादा एचएफपी है सर। एचएफपी है, ठीक है, क्रॉस जर्सी। अच्छा, बाकी जो भी बाइक खरीदना चाहे, क्रॉस खरीदे, एचएफ खरीदे या किसी भी तरह की, तो आप दिलवा देते हो? जी जी, अदर फार्म से कॉन्टेक्ट होता है सर अपना। ठीक है ठीक है, जितने भी अदर फार्म होते हैं ना सर। ठीक है, अच्छा, सभी से कॉन्टेक्ट होता है सर अपना। अच्छा, वहाँ से दिलवा देते हैं। मतलब कस्टमर बोलते हैं ऐसी गाय लेनी है, ठीक है, तो वहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है। तो हर्ष भाई, जैसे बाहर से भाई आते हैं, अगर गाय सिलेक्ट ना कर पाए तो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ नहीं है? भगवान माफ करे ऐसा सर। नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि हर्ष भाई ऐसा है, हर्ष भाई कोई भी बात है ना तो भाइयों को साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए, ताकि बार बार आपको इन बातों के लिए परेशान ना करें। जी, चलो सही बात रहा, जो आपका पूछने का फर्ज है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ हाँ, कोई आदमी सर, मैंने पहले भी बोलता हूँ, कोई भी कस्टमर आएगा सर, हाँ, उनको कोई चार्जिंग लगेगा। हाँ, सर खाने कुछ भाई है ना, ऐसे ऐसे ना कुछ गलत लोगों के हत्ते चढ़ जाते हैं ना, तो कुछ भाई डरे भी रहते हैं, जैसे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो आप वीडियो में क्लियर कर देंगे सारी बात। ऑफ कैमरा बात कर ही रहे थे। हाँ हाँ, आप कर रहे थे बात। हाँ, पहले बात अपने दोनों भाई बात कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर ऐसा किसी ने के साथ कस्टमर आया था, गाय नहीं ली, हाँ, उसने 2000 रुपया उनसे ले लिया, चार्ज ले लिया। हाँ, ठीक है, ऐसी बात हम कर रहे थे, कर रहे थे। हाँ, पर मैं पहले वीडियो में अदर भाई सर बोलते रहता हूँ। हाँ, हाँ, भी जो भी सर 2000 रुपया ले लेगा, हाँ, हाँ, इसने ले लिया, हाँ, क्या सारी उम्र 2000 रुपया से निकल जाएगा? हाँ, नहीं निकलेगा, सही बात है भाई। तो मैं कहता हूँ सर, ये गलत बात है सर, गलत गाइड मत करा। हाँ, ठीक है सर, वो आदमी सर 5 आदमी का और बताएगा सर। बताएगा बताएगा, बिल्कुल। मैं वहाँ चला गया यार, ऐसे करके मेरे से 2000 रुपये खर्चा ले लिया, और फिर एक बंदे की वजह से ना सभी बदनाम हो जाते हैं। देखो हर आदमी
किया उसने है। हाँ हाँ। और हमारे पर भी वो ब्लेम आता है, ब्लेम आता है क्योंकि हम भी यही फील्ड में हैं। हाँ, ये काम करते हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ। पर फिर भी सर सोचता है, सोचता है बियर उसने ऐसे किया तो हो सकता है वो भी ऐसे ही हो। वो ऐसे हो जाता है ना हर्ष भाई, जैसे कोई भाई पंजाब में आया, अगर एक बंदे ने खराब किया ना तो उसने नाम तो पंजाब का ही लेना है, पंजाब के लेना है। वो ये नहीं जगह नहीं जानता कौन सी जगह है, या डब वाली मंडी का बोलेगा या बठिंडे का बोलेगा, बिल्कुल वो दो ही लोकेशन जानते हैं आदमी। ठीक है, वो ऐसे मांगे तो ना तो मेरा घर जानता है और ना उसी की जानता है, घर पे वो भी लेके जाता है, वो मंडी डब वाली बोलते जाते या बठिंडा बोलते हैं, तो बदनाम दोनों चीजें होती है इसमें। ठीक है, तो हर्ष भाई अभी मौके पे अपने पास कितनी गाय है? सात गाय सर, सात गाय है जी। प्रेग्नेंट है ये बेई हुई है? नहीं सर, आज चार गाय सर अपने पास, अपना प्रेग्नेंट है और दो गाय सर अपने पास मान लो बच्चे वाली है और एक कच्ची है सर ज्यादा। अच्छा अच्छा जी। तो हर्ष भाई सबसे पहले कौन सी गाय की डिटेल बताओ, चला के दिखा। तो दोस्तों पहले नंबर पे जो गाय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हर्ष भाई की हाइट से आप अनुमान लगा सकते हैं, गाय की जो हाइट है वो काफ़ी है और लेंथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ताज़ा ब्याने वाली गाय है और मेरे हिसाब से पहले ही ब्यांत में होनी चाहिए। अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अडर काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी सुंदर है। बाकी हर्ष भाई से डिटेल पता करेंगे, मोल भाव की जानकारी भी लेंगे, किसी भाई ने ये गाय खरीदनी हो तो आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में जो भी रेट बताया जाता है वो फिक्स नहीं होता, रेट की बार्गेनिंग हो कर लिया करें आप, रेट मौके पे कम ज़्यादा हो जाता है, उसी हिसाब से आप रेट का जो अनुमान लगा सकते हैं। अडर देखें आप, फेस क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है और अडर है, अडर काफ़ी सुंदर है गाय का। और वैसे तो हर्ष भाई जितनी भी गाय लेके आते हैं सभी की सभी गाय काफ़ी शान स्वभाव की होती हैं, ये भी गाय काफ़ी शान स्वभाव की है। हाँ हर्ष भाई ये पहले नंबर पर जो गाय है सर, पहले ब्यांत में, फर्स्ट में सर। अच्छा, क्रॉस में या नहीं सर, एचएफ में, बढ़िया क्वालिटी की दिखाई दे रही है, अच्छी ब्रीड की है सर, ब्रीड वाली है जी जी। लेंथ और हाइट काफी जबरदस्त है, बहुत ज्यादा सर, टॉप की चमक दमक देखो सर। हाँ हाँ हाँ, देखो सर बड़ी गाय दूध सर, अब सोचते बड़ी गाय दूध, ये सर चमक है ना सर, इसकी चमक देखो सर, जो आंचल वगैरह देखो सर कितना अच्छा लगा, जो शाइनिंग है ना वो इस बात का प्रमाण है कि गाय बिल्कुल स्वस्थ प्योर है सर, बिल्कुल प्योर। अभी तो ऐसा जो नहलाई नहीं है सर जी। अच्छा अच्छा, नहलाई चमक और भी बढ़ जाती है सर इसकी। हाँ ये तो है जी, बिना नहलाई इसकी शाइनिंग काफी तेज है सर, बड़ी बात होती है सर फेस की। हाँ हाँ हाँ, फेस देखो सर इसका। हाँ, काफी सुंदर गाय है जी जी। बिल्कुल जी। तो हर्ष भाई पहले ब्यांत में कितना टाइम बाकी है ब्याने में? अभी इसके तो है सर 10 दिन ले जाएगी, 10 दिन ले जाएगी, आराम से ले जाएगी सर। अच्छा, दूध का अंदाजा है कितना निकाल देगी? 25 लीटर सर आराम से निकालेगी, निकालेगी सर, ज्यादा दे तो सर मान लो केयर अच्छी हो तो ज्यादा दे देगी। ठीक है, पर 25 लीटर बोल के दूंगा सर इसका। 25 लीटर जी जी, इतना तो अगर क्वालिटी वाली गाय ब्रीड सर, ब्रीड के मुकाबले में सर दूध ज्यादा देगी, पर मैं कम ही बोला सर आपको ना, बिल्कुल सही, क्योंकि वीडियो में भी अक्सर मैं देखता हूँ, दूसरों की वीडियो भी देखता हूँ, मैं खाली आपकी वीडियो देखता हूँ। ठीक है, मैं अपनी देखता हूँ, दूसरों की देखता हूँ। ठीक है, और रेट भी देखते हैं और ऐसे ही बोलते हैं 40 लीटर दे देगी, 45, अपना वो काम नहीं, नहीं, पहले तो, से नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए आज का, तो चलो आज की बात छोड़ो, मैं पहले भी कभी नहीं बोला, इतना देगा 40 देगी सर, 35 देगी, वो तो अगर 40 देगी तभी कहेंगे, तभी देंगे। ठीक है सर, आगे आदमी सर लेने वाला हो तो 30 भी लेगा सर, पर मैं सर 25 बोल के दूंगा। ठीक बात है, ये साफ सुथरी। तो हर्ष भाई डिमांड क्या कर रहे हैं? सर 95 सर, 95,000 मौके पे कम ज्यादा हो जाएगा नहीं? वो की सर मांस मानता आपको पता करना, वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो बात। और गाय सर देखो, गाय सर देखो ऐसे नहीं सर, भी पहले ब्यार की बछड़ी है सर, देखो हाइट वगैरह देखो सर। ठीक है सर, हाइट वगैरह देखो, नहीं सर टांग उठाती सर, पहले की बछड़ी थोड़ी सी बादी है सर, झलका बोलते हैं जिसको। हाँ, वो तो कोई देखो सर, इससे भी पता चलता है पहले ब्यार की है सर। ठीक है, हाँ, हाँ। और देखो सर आंचल वगैरह देखो, ऐसे सर जो फर्स्ट की बछड़ी सर ऐसे हाथ नहीं लगाने देते, हाथ नहीं लगाने देते, जो क्रॉस होती है ना सर, वो तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगी, नहीं लगाने। ये ब्रीड है सर, जो ऐसे मान के चलो बच्चा भी नीचे चला जाए ना, कोई दिक्कत नहीं सर इसको। ठीक है, तो हर्ष भाई दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों पहले नंबर वाली जो गाय है इसकी डिटेल हर्ष भाई ने बता दी है, मोल भाव बता दिया है, आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं, रेट की बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, रेट मौके पे कम ज्यादा हो जाएगा उसी हिसाब से आप गाय का अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये गाय है, ये भी काफी साफ सुथरी काफी बढ़िया क्वालिटी की गाय है। और अडर देखें आप, अडर काफ़ी बड़ा बनाना है गाय ने, हाइट लेंथ इसकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो सर चला के दिखा रहे हैं उनकी हाइट के हिसाब से आप गाय की जो हाइट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हर्ष भाई, ये दूसरे नंबर वाले गाय है, जिस सेकंड में सर ये क्रॉस में है या नहीं सर? ये भी नस्ल में है, ब्रीड में है सर। अच्छा 80% ब्रीड है सर और 20% ये क्रॉस में। अच्छा थोड़ी सी क्रॉस में जी जी। अच्छा हर्ष भाई कौन से ब्यांत में है? जी सेकंड में सर। सेकंड में जी। अच्छा तो कितना टाइम बाकी है? ये टाइम इसका हर 15 दिन बाकी पड़े सर। 15 दिन जी। अच्छा तो दूध का अनुमान कितना है? दूध का अनुमान सर ये देखिए सर, पिछला रिकॉर्ड है सर जो जहाँ से ली सर अपना सेल की सर, ठीक है, वहाँ से सर इसका ऐसे मान के चलो 25 लीटर तो निकाला हुआ सर पहले है। हाँ जी सर। अच्छा 25 लीटर का इस बार सर 30 को टच करने वाली गाय। अच्छा 25 और 30 के बीच में रहेगी सर। ठीक है जी। डिमांड क्या कर रहे हो इसकी? सर इसकी डिमांड भी 95 ही सर, 95 95 मौके पे कम ज्यादा हो जाएगा, मौके पे कम ज्यादा हो गया सर। आपको पता है सर अंतरिक्ष में सर इसने ही है, दूर से ज्यादा देगी और वे प्योर ब्रीड में। अच्छा वो थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क है, इसलिए इसका रेट सेम ही रखा है। ठीक है ज्यादा उसके मान के चलो उसका रेट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ब्रीड के हिसाब से दूध में आगे ना ज्यादा। हाँ दूध में ज्यादा है और ऐसे मान के चलो सर इसका हाइट वगैरह उतनी सर। हाँ 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 सर वैसे ही लगा हुआ है, बाकी तो ये सेम सर देखो कैमरे में सर जी भी ब्रीड लगेगी। हाँ नहीं अगर आप मैंने देखी थी ना तो सेम ही दिखाई दे रही है। ठीक है सर ये मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, ठीक है भी आप खाली कलर से जज मत किया करो। हाँ, 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 ब्रीड है जैसे, ठीक है क्रेटर होते सर इसके। ये बात सही है, देखो सर ये थोड़ा हाथ लगाएंगे ना सर देखो। हाँ, हाँ, वही बात सर ये भी देखो। हाँ, हाँ, ये करती है सर उसमें, ठीक है। हाँ, और ब्रीड वाली से जो गाय होती है सर वो कभी नहीं सर ऐसे करती। अच्छा ठीक है, इसलिए सर क्रेटर ये अंतर होता है, ये फर्क होता है सर। ठीक है ब्रीड सर आपको बच्चा भी छोड़ देना पीछे सर। हाँ, उसको भी कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है, और जो क्रॉस होती है सर वो आपको पता ही कैसी होती है, थोड़ा सा कर जाती है सर। ठीक है सर। तो दोस्तों दूसरे नंबर वाली गाय की डिटेल हर्ष भाई ने बता दी है, मोल भाव सर देखो गाय देखो सर। हाँ नस वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई है सर, दूध निकाल देगी जी जी, दूध तो निकाल देना चाहिए गाय ने। तो दूसरे नंबर वाली जो गाय है उसकी डिटेल हर्ष भाई ने बता दी है, बाकी किसी भाई ने ये गाय खरीदनी हो तो आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ये गाय है, ये भी प्रेग्नेंट गाय है, हाइट लेंथ थोड़ी कम जरूर है लेकिन अडर काफ़ी बढ़िया है गाय का, और दूध ये भी शायद बढ़िया ही निकालेगी गाय, बाकी हर्ष भाई से पता करेंगे। फेस क्वालिटी काफ़ी शानदार है, ये भी काफ़ी स्वस्थ गाय है, काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी सुंदर है। हर्ष भाई ये तीसरे नंबर वाली जो गाय है ये क्रॉस में दिखाई दे रही है? जी क्रॉस में सर। अच्छा ये बिल्कुल ये ऐसे मान के चलो ये गाय सर जो हाँ अपने सर जा तो मान लो MP अच्छा और गुजरात। अच्छा ये वहाँ की जान है सर। अच्छा क्या ये गाय ज्यादा MP गुजरात की सर जान है ये गाय। अच्छा ठीक है उनको ज्यादा पसंद है सर ये गाय। अच्छा अच्छा वहाँ सर ऐसे मान के चलो ब्रीड वाली ये गाय हाँ ये गाय दोनों कम चलती है। अच्छा और जो वो गाय सर हाँ वो MP गुजरात की बहुत खुश होकर लेके जाते सर। अच्छा और दूध की ऐसे ठीक है दूध की इसकी जो फैट होती सर तो बहुत अच्छी होती है सर उसकी उसकी। और ऐसे मतलब जो गर्मी सर्दी है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा अच्छा क्योंकि इसको बीमारी बहुत ही चांस होता ही नहीं बीमार होने का। अच्छा जी अभी भी काफी स्वस्थ है गाय जी। आपको ऐसे मान के चलो सर इसको कहीं रोक दो। हाँ, गर्मी में रोक दो सहन कर मान लो कोई दिक्कत नहीं सर सहन कर जाएगी। अच्छा ये तो बढ़िया बात है। तो हर्ष भाई कौन से ब्यांत में है ये? ये सेकंड में सर। सेकंड ब्यांत में दूध का अंदाजा कितना है? दूध देगी 17-18 लीटर सर। 17-18 झूठ बोल के मैं इसका बोल दूं 20 देगी किसी दे अपना वो धंधा नहीं इतना तो निकाल देना चाहिए। ये तो आपने जेन्युइन बताया। हाँ जी जी। अच्छा तो हर्ष भाई डिमांड क्या कर रहे हो? डिमांड सर इसकी आज की सर 65 है सर। 65 85 नहीं 65,000 जी जी। ठीक है 65 रेट भी ठीक ही किया आपने। देखो अगर ऐसी गाय सर अदर फार्म में होती सर इसका 80-85 आराम से मांग लेते सर। अपना जो सर आपको पता ही सर अपने को जो रेट मिलता है सर आगे से और अपना मुनाफा तो रखते हैं सर। वो तो रखना ही पड़ता है। ये नहीं भी हम मुनाफा नहीं रखते चलो अपना जितना 5-4 हज़ार बचत रखते हैं सर। ठीक है वो तो रखना ही पड़ता है भाई बिजनेस इसीलिए करते हैं। मैं तो 90 बोल के दे दूंगा 80 की बोल दूं सर वो अपन धंधा नहीं है सर। ठीक है जी जी। तो हर्ष भाई मौके पे मान सम्मान हो जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस गाय की जो डिटेल है हर्ष भाई ने बता दी है, मोल भाव 65,000 रुपये भाई ने बताया है और 16-17 लीटर के लगभग भाई ने दूध बताया है। दूध भी ठीक ही बताया भाई ने, कोई ज़्यादा नहीं बताया और रेट मौके पे कम ज़्यादा हो जाएगा रेट भी बता दिया है, बाकी अपने हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। गाय की हाइट लेंथ मीडियम ज़रूर है लेकिन गाय काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी सुंदर है। चलो
दोस्तों चौथे नंबर पर ये गाय है, बिल्कुल ताज़ा ब्याई गाय है। हाइट लेंथ आप चेक कर सकते हैं, अडर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बाकी हर्ष भाई से पता करेंगे गाय ने दूध कितना निकालना है, गाय का जो मोल भाव है वो हर्ष भाई क्या कर रहे हैं। हर्ष भाई ये जो चौथे नंबर वाली गाय है ये कौन सी ब्यांत में? ये सेकंड में सर बच्चा दिया हुआ है सर। दूसरे ब्यांत में बच्चा ये बिल्कुल ताजा भाई ये तो ना सर, इसको हो गया सर 3-4 रोज हो गए। अच्छा, बच्चा नीचे क्या है? फीमेल काप है। फीमेल काप है। हर्ष भाई कितना दूध निकाल देगी? दूध एक सर 25 लीटर सर, हमसे 25 निकाल देना चाहिए। अभी सर है 18 लीटर खींचते अभी है जी। तो मूल भाव क्या करे? मूल भाव इसका 75 देनी सर। 75 जी। अच्छा देनी सर। अच्छा इसको ये भी छोटी सर थोड़ी सी। हाँ। दूध के मुकाबले के रेट कम है। हाँ। और थोड़ी हाइट कम है और हाँ। क्रॉस में सर। अच्छा अच्छा जी। तो हर्ष भाई ये 4 गाय थी हैं जी? 4 गाय थी सर। बाकी आपको पता है सर गाय तो और दिखा दो, जितनी भी दिखानी है वीडियो जाती देते अपने को। बाकी सर जो कस्टमर को सर देखो वही दिखाएंगे सर, जो दिखाने वाली चीज होगी सर। हाँ, ऐसे सर कच्चा दिखाने का फायदा नहीं है। हम तो सर सेल करते हैं। हाँ। छोटी गाय भी लेते हैं सर हम तो। अच्छा, अच्छा। उसका दिखाने का सर फायदा कोई नहीं वो ऐसे हर्ष भाई जैसे रेट का है ना, थोड़ा सा भाइयों को अंदाजा बताना होता है की मौके पे अपने फार्म पे ये जो गायों का मौके पे रेट ये चल रहा है। जी चल रहा है, ठीक है ना जी सर। अच्छा हर्ष भाई अपना फोन नंबर एक बार और बता दो। मोबाइल नंबर सर 987 88 27 537। ठीक है हर्ष भाई, वैसे तो सारी जानकारी आपने दे दी, अगर कोई भी जानकारी रह गई तो भाई आपसे संपर्क कर लेंगे। जी जी संपर्क करना, कोई दिक्कत नहीं सर आपको। ये भी नहीं है भी अपने गाय से मशवरा लेना सर। ठीक है, वैसे भी कस्टमर कोई इधर आने वाला हो। हाँ। कोई मशवरा लेना हो सर। हाँ। कोई ये नहीं है, मेरे पास ही आना है अपने। हाँ। हाँ। फिर भी हम आपको गाइड करेंगे सर, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है सर कि आप मेरे पास आओ। हाँ। मैं फिर कोई बात बताऊंगा आपको मंडी के बारे में, जो किसी भी तरह की नॉलेज लेनी है सर अपने। ठीक है, तो हम वैसे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे से गाय लेके जाओ। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ठीक है हर्ष भाई, मिलते हैं अगली वीडियो। ओके सर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके सर। तो दोस्तों हर्ष भाई ने 4 गायों की जो डिटेल है वो बता दी है। किसी भाई ने अगर गाय खरीदनी हो तो आप हर्ष भाई से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।